नमस्कार दोस्तों, सीकेपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात मैं करता हूँ मुक्त हस्त चित्रण। क्या है दोस्तों मुक्त हस्त चित्रण में? फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में बात करता हूँ। क्या होता है दोस्तों फ्री हैंड स्केचिंग? अगर कहा जाए तो रचनाकार अर्थात इंजीनियर के लिए मुक्त हस्त चित्रण रेखा का एक महत्वपूर्ण क्या होती है? कला होती है, जिसको बिना ड्राइंग के उपकरण के किया जाता है। ये जो आपका फिगर बना हुआ है, ये वगैरह ड्राइंग उपकरण का बनाया गया है। किससे? स्वतंत्र रूप से, वगैरह इंस्ट्रूमेंट के, वगैरह मेजरमेंट के हम इसको बनाए हुए हैं। इसे अभियंताओं के एक बिंदु रेखा, भाषा की मुक्ति हस्त अभिव्यक्त भी कहा जा सकता है। मापनी ड्राइंग का प्रथम पद यही कहलाता है हमारा मुक्त हस्त चित्रण। यह एक सरल विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को चित्रण में व्यक्त करता है, और इसमें वस्तु का आकार बिना मापनी के सही अनुपात में लिया जाता है। चित्रण करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए यह सुंदर तथा बड़ा रेखा सही अंतर पर रहे, क्योंकि इसके मटेरियल के अनुसार हम बताते हैं इसको, मटेरियल ऑफ स्केचिंग, मटेरियल के अनुसार, पदार्थों के अनुसार इसमें निम्नलिखित किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। अगर सबसे पहले देखा जाए तो पेंसिल, पेंसिल हमारी कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो 2H की पेंसिल होनी चाहिए और HB की पेंसिल होनी चाहिए। जो HB पेंसिल होता है दोस्तों, किसी भी कला को, किसी भी अक्षर को शेड करने के काम में लाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा देंगे ए को हमें शेड करना है तो HB पेंसिल का यूज करेंगे, बल्कि कोई आउटलाइन हमें दर्शानी है तो वहां पर 2H पेंसिल का प्रयोग करेंगे। अगर कोई दोस्तों हम चित्रण कॉपी, जो कि मंद रेखाओं पे ग्राफ पेपर भी हो सकता है, उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो 2H का प्रयोग करेंगे। अगर क्लासिफिकेशन की बात किया जाए कि फ्री हैंड स्केचिंग को कितने टाइप में या कितने क्लासिफिकेशन में ऑफ स्केचिंग में बांटा गया है, तो दोस्तों ये तीन तरह का बांटा गया है। कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो प्रथम हमारा हो जाएगा लंबकोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफी। कौन सा दोस्तों? ऑर्थोग्राफी, लंबकोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफी। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? आइसोमेट्रिक, आईएसओ, आइसोमेट्रिक फ्री हैंड स्केचिंग। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्री हैंड स्केचिंग एंड सॉलिड, फ्री हैंड स्केचिंग, फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ सॉलिड। तो दोस्तों ये तीन तरह के क्या हो जाएगी हमारा वर्गीकरण के लिए हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम फिगर को किस तरह से क्वालिटी लाइन के रूप में दर्शाएंगे। लाइन के रूप में अगर देखें दोस्तों, तो मुक्त हस्त खींची गई रेखा किसी मापने के द्वारा खींची गई रेखाओं से अलग होनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, ये रेखा जो हमने खींचा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, लगता नहीं होगा कि मैंने स्केल से सीधे खींचा है। नहीं दोस्तों, इसको लगता होगा कि हम 30 डिग्री या 45 डिग्री, कितने डिग्री? 30 डिग्री या 45 डिग्री को हम मानते हुए ऐसे रेखा को खींच रहे हैं। अब इसमें अंतर, दोनों बनाने में हस्तमुक्त रेखा एक समान मोटी व सीधी नहीं हो सकती है। जैसे एक समान मोटी तथा सीधी नहीं, उसे जाएगी थोड़ा टेढ़ा या कहीं पे मोटा या कहीं पे पतला, ऐसे जाएगा हस्तमुक्त चित्रण में। इनमें निम्न बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? दृश्य निश्चित करना चाहिए कि उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो। विमांकन, डायमेंशन दर्शाना है तो डायमेंशन को दर्शाने के लिए आपका तरीका मालूम होना चाहिए। लंबाई तथा चौड़ाई को ध्यान देना चाहिए। चित्रण से पहले समतल वर्टिकल मध्य रेखा खींचना चाहिए। चित्रण से पहले चित्र में छिद्र को डोटेड रेखाओं से दर्शाना चाहिए। जो आपका छिद्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसको क्या है दोस्तों? सेंटर लाइन या डॉटेड रेखाओं से दर्शाया जाता है। डॉटेड को, छिपे हुए वस्तुओं को दर्शाने के लिए जिस लाइन का प्रयोग करते हैं उसे हिडन लाइन कहते हैं। ये आपको आना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसी तरह से दोस्तों देखते हैं, अगर हम वृत्त खंड चाप का चित्रण करते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों? वृत्त खंड चाप का चित्रण करेंगे तो मान लीजिए कि हमें इसको बनाना है वृत्त, यहां तक फाइनल करने के लिए। वृत्त चाप का चित्रण की उत्तम कला, एक समान दूरी के बिंदु बना करो उसने लग गलती से या लगती चाप पर खींचना चाहिए। गलती नहीं, सॉरी दोस्तों, लगती चाप पर खींचना। जैसे ये प्लस का निशान दिखा रही है, दर्शाने के बाद से हम जैसे प्लस दिखा रहे हैं, वर्ग एक बना रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों? हम चाप मारेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सर्किल बिल्कुल सीधा बनेगा। वृत्त के मंद रेखाओं के द्वारा वर्ग बनाकर भुजाओं के मध्य बिंदु लगाना और वृत्त पूर्ण रूप है या वृत्त को पूरा करने के लिए हम इन वर्ग का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसी तरह से हम अगर अंडाकार की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है। अगर अंडाकार चित्र की बात करें दोस्तों, तो कुछ हमें इस प्रकार से क्या करेंगे, लंबाई में एक
बनाएंगे चित्रण अंडाकार चित्रण के लिए हमेशा मध्य बिंदु को ध्यान में रखें क्योंकि सभी व्यासों को उस बिंदु से गुजारते हैं और बड़े व्यास को बड़ा ध्रुव और छोटा ध्रुव पर काटते हैं। अंडाकार दोनों ध्रुव की सामंजस्यपूर्ण होता है। कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इस वर्ग को हम ऐसे काट देंगे और काटने के बाद से तब इसको लाइन को ऐसे मिलाते हुए हम लाएंगे जो कुछ इस प्रकार का बनेगा और लास्ट में हमारा जाके कुछ इस प्रकार बनेगा। इसको हम कोई भी फिगर बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों कर्व लाइन को या कर्व लगाने के लिए वृत्त बनाने के लिए उपयोग विधि का प्रयोग करेंगे और कर्व बनाते समय पेंसिल को कर्व की अवतल कॉन्वेक्स भुजा पर रखा जाता है तथा सीधी रेखा खींचने के लिए अर्धवृत्त के छोटे टुकड़ों पर काट देते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वर्ग बनाएंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार का। वर्ग बनाने के बाद ऐसे एरो मारेंगे, एरो मारने के बाद यहाँ पे आपका कर्व दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ऐसे कर्व को हम ध्यान देते हैं और ये आपका कर्व इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एसोमेट्रिक व्यू का। एसोमेट्रिक व्यू का अगर मान लीजिए दोस्तों मैंने इसको टॉप दे दिया, दूसरी बात पे मैंने इसको फ्रंट दे दिया और इसको क्या दे दिया, साइड दे दिया। तो दोस्तों अगर हम थर्ड एंगल में बनाते हैं तो किस तरह से हम इसको टॉप फ्रंट साइड दर्शाएंगे दोस्तों, इसको हम दर्शाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसको टॉप दिया, इसको फ्रंट दिया और इसको साइड दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यह प्लस का निशान लगाते हैं और ऑर्थोग्राफी में क्या करते हैं, हम चार पार्टों में बांट देते हैं। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम थर्ड एंगल में अगर लेते हैं, इसको थर्ड एंगल में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा टॉप हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फ्रंट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा साइड हो जाएगा। तो जो हमारा टॉप यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, वहाँ पे देखिए ये एक टॉप है, ये दो टॉप है, इसके साइड में तीसरा टॉप दिखाई देगा। जब आप इस पे बैठ जाएंगे तो तीन वस्तु आपको दिखाई देगी और वह किधर से देखेंगे दोस्तों, तो हम इस साइड से देखेंगे। तो ये क्या होगा फिगर दोस्तों, ये इस साइड से घूम जाएगा। जैसे घूमेगा दोस्तों तो यहाँ पे हम वर्ग बनाएंगे लेकिन ये तीन पार्ट हम इसमें दर्शा देंगे। तो ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। जैसे ये पहला, ये दूसरा और इसके साइड वाले में को तीसरा। अभी दोस्तों देखते हैं फ्रंट वाले को, फ्रंट वाले को जैसे देखेंगे दोस्तों तो ये भी क्या होगा, सेम इसी के जैसे होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये पहला दिखाई दे रहा है, ये दूसरा दिखाई दे रहा है और ये जो ट्रिक लगा पार्ट है ये आपको नहीं दिखाई देगा। तो एक या दो, दो आपको दिखाई दे दिया यहाँ पे। अब इसके पीछे वाला जो पार्ट हमें दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि इसके बराबर है तो वो हिडन लाइन छिपी है, बट यहाँ पे हमको पूर्ण रूप से दर्शाया जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे हिडन लाइन ना दर्शा के एक ही लाइन दर्शाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ वाला, तो जब यहाँ की बात करेंगे तो ये उल्टा टी के अक्षर का दिखाई दे रहा है। तो सेम क्या करेंगे, साइड जिधर होता है थर्ड एंगल में उधर ही साइड को रख देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो टी अक्षर के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे। ये आपका फ्री हैंड स्केचिंग में इस प्रकार से बनाते हैं, बट इस प्रकार से आपको नहीं बनाना है क्योंकि हम आइसोमेट्रिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, फ्री हैंड स्केचिंग पढ़ रहे हैं। ये हमें आपको बताना था कि कैसे बनाया जाएगा। अगर इस तरह से आ जाए और पूछ दे कि फ्री हैंड स्केचिंग कैसे बनाना है, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। नमस्कार दोस्तों।